हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो नंबर हम लोग बहुत शुरुआत से ही यूज़ करते आ रहे हैं, बट टॉपिक के लिए और डिटेल में पढ़ने के लिए, इन डेप्थ पढ़ने के लिए हम लोग ये टॉपिक देख रहे हैं नंबर्स। नंबर टाइप इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड्स बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट नंबर्स आर ऑलवेज स्टोर्ड एज डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉलोइंग द इंटरनेशनल IEEE 754 स्टैंडर्ड। अगर ये स्टैंडर्ड आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसके बारे में मतलब यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अगर पता है, आपको पता होगा अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। अदरवाइज अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिए कि नंबर टाइप इन जावास्क्रिप्ट इंक्लूड्स बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन भी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। मतलब एक कंस्ट्रक्टर भी आपको नंबर्स का मिल जाएगा, एक तो प्रिमिटिव टाइप का मिल जाएगा, एक आपको कंस्ट्रक्टर टाइप का मिल जाएगा, यानी कि न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं नंबर्स का। सो अभी उसमें नहीं जाते, उसमें आएंगे थोड़ी देर में, पहले नंबर्स में फोकस करते हैं। नंबर्स मतलब क्या? नंबर्स मतलब जावास्क्रिप्ट में जैसे कि 1 2 लिखा आपने, यानी कि 12 लिखा, तो ये एक नंबर हो गया। अगर आप डेसिमल में लिखते हैं कुछ तरीके से 2 3 डॉट, यानी कि 23.45 ऐसा आप लिखते हैं तो ये भी एक नंबर है। अगर आप एक्सपोनेंट में लिखते हैं इस तरीके से 5E3 तो ये भी एक नंबर है इन जावास्क्रिप्ट। अब एक छोटी चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, इसका मीनिंग बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं ये बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 5 मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन है 10^3, इसका मीनिंग होता है। यानी कि इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 × 10 × 3 × 10, इसके बाद इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5000। सो इसका मीनिंग होता है ये साइंटिफिक नोटेशन है लार्ज डिजिट को लिखने का। इस तरीके से स्मॉल डिजिट को भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि आपने लिखा 2 3 4 और एक बड़ा डिजिट है जिसको मतलब एक स्मॉल में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं E-5। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये आप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 3 4 और इधर आपका ये 3 4 5.0, कुछ इस तरीके से। यानी कि 5 है, यहाँ 5 तक आएगा और यहाँ डेसिमल आएगा, मतलब पॉइंट आएगा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं जो आपको, मुझे उम्मीद है कि या तो पहले से पता होंगी, अगर नहीं पता है तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया छोटा सा डेमो। आगे बढ़ते हैं नंबर्स में और बात करते हैं प्रिमिटिव की। प्रिमिटिव टाइप देखते हैं कि किस तरीके से बना सकते हैं नंबर्स का, जो कि हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने वैर ए इक्वल 10 लिखा, तो ये एक प्रिमिटिव टाइप का नंबर बना हुआ है हमारा, जिसमें वेरिएबल नेम हम लोगों ने ए दिया है। और ए किस डेटा टाइप का है? नंबर डेटा टाइप का है, जिसका हमने वैल्यू असाइन किया 10। 10 क्या है? एक होल नंबर है। उसी तरीके से आप ए इक्वल 10.45 भी लिख सकते हैं, ये डेसिमल नंबर है आपका क्योंकि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। उसी तरीके से एक्सपोनेंट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ए इक्वल 5E3, उसका मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया 5000 और उसको डिटेल में भी लिख दिया, इसी को कहते हैं एक्सपोनेंट। उसी तरीके से अगर स्मॉल में लिखना है तो आप कुछ इस तरीके से एक्सपोनेंट में माइनस देकर लिख सकते हैं। ये हो गया प्रिमिटिव टाइप का। आपको एक और मिलता है कंस्ट्रक्टर के द्वारा भी आप नंबर डिफाइन कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। कैसे करते हैं? वैर ए इक्वल न्यू और नंबर का एन यहाँ कैपिटल होना चाहिए और बिटवीन पैरेंथेसिस आप नंबर लिखते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करता है और इस वैल्यू को ए में असाइन कर देता है। उसी तरीके से डेसिमल के लिए भी, उसी तरीके से एक्सपोनेंट के लिए भी। अब ऊपर वाला जो है वो सारा उसका जो टाइप होता है वो होता है नंबर टाइप का, लेकिन नीचे जो आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाते हैं ये सारे होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप के। ये आप टेस्ट कर सकते हैं टाइप ऑफ लगाकर। अगर आप टाइप ऑफ ए देखेंगे इस तरीके से डिक्लेयर किए हुए ए का, मतलब इस वेरिएबल का, तो आपको नंबर दिखाई देगा इसका टाइप ऑफ। अगर आप इस ए का टाइप ऑफ देखेंगे तो इसका आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, जो हम लोग अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में देखेंगे। एक्सेस कैसे करना है नंबर को? नंबर को एक्सेस करने का तरीका सिंपल सा है। चाहे आप नंबर को इस तरीके से बना रहे हो, चाहे आप डेसिमल नंबर हो, चाहे आपका एक्सपोनेंट हो, चाहे आप इस तरीके से नंबर को बना रहे हो, किसी भी तरीके से नंबर बनाइए, एक्सेस करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिंपल है। आप document.write लिखिए और a यहाँ यानी कि वेरिएबल का नाम लिख दीजिए।
या फिर डायरेक्ट यहाँ दो वेरिएबल को एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से एक्सप्रेशन भी यहाँ डायरेक्टली आप लिख के एक नंबर को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अगर आप देखिए नंबर नहीं है, क्या नंबर नहीं है, अगर आप डबल क्वोट्स के अंदर कुछ लिखते हैं, एज्यूम कीजिए मैं एक लिख रहा हूँ वेयर ए इक्वल, मैंने लिखा डबल क्वोट्स के अंदर इस तरीके से 10, तो ये नंबर नहीं माना जाएगा, इसका जो टाइप होगा, इसका जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। उसी तरीके से अगर इसमें आप डबल क्वोट दे देते हैं तो ये भी स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। सो शुरू से शुरू करते हैं, वेयर ए लिखा मैंने इक्वल, मैं यहाँ सबको दे दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार इनिशियलाइज कर देता हूँ, उसके बाद एक एक करके एग्जाम्पल देखते जाएंगे। वेयर बी बना देता हूँ यहाँ से, इसको इंडेंट कर लेते हैं थोड़ा सा, वेयर बी इक्वल 10.45, वेयर सी देते हैं इक्वल, एक एक्सपोनेंट देते हैं नंबर 5e3, और वेयर डी यहाँ हम लोग दे देते हैं 34e-5। ओके, अभी एक और बना लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट टाइप का मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके, वेयर एक्स इक्वल न्यू। ओके, सो इस तरीके से आप नंबर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, ठीक है। अब एक एक करके इसको एक्सेस कर लेते हैं, पहले एक्सेस करने के बाद एक एक करके हम लोग इसका टाइप ऑफ भी देखेंगे। सो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहा हूँ, आप लोग कंसोल लॉग भी कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ईजी होता है बिगिनर्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है, बाकी सबका अपना अपना सोच है, ठीक है। तो मैंने मुझे ए को एक्सेस करना है, तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए लिखा, अभी इसको हम लोग रन कर लेते हैं गूगल क्रोम में। सो यहाँ आपको इसका आउटपुट दिखाई देगा 10। यहाँ मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि दूसरा जो वैल्यू होगा हमारा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। br सेव करते हैं, एक बार फिर से मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सेव किया मैंने, रन किया, 10 आ रहा है। अभी b को देखेंगे, तो b के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसी को नीचे पेस्ट कर देते हैं, b के लिए, c के लिए, d के लिए और x के लिए। बाकी यहाँ सिर्फ मुझे चेंज कर देना, यहाँ b कर देता हूँ, यहाँ c कर देता हूँ, यहाँ d कर देता हूँ और यहाँ x कर देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी एक्स, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं या रन कर लेते हैं। चलिए रन किया मैंने, देखिए सारे वैल्यूज़ एक्सेस होकर सही तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर साइड बाय साइड अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से ऐसे करके, तो आप मे बी थोड़ा सा अच्छे से देख पाएंगे इसको। ए का वैल्यू दिखाई दे रहा है 10, बी का वैल्यू दिखाई दे रहा है 10.45, सी का वैल्यू जो कि 5e3 उसका 5000 दिखाई दे रहा है, डी का यहाँ वैल्यू दिखाई दे रहा है और एक्स का वैल्यू भी आपको दिखाई दे रहा है। सो वैल्यू करेक्ट आ रहा है, सही तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सब कुछ नंबर है, मतलब क्या इसका टाइप नंबर है, 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 एक और मुझे चेक करना है। अभी मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ वाई इक्वल डबल कोट्स के अंदर मैंने 100 लिख दिया मान लीजिए, और एक और लिख देता हूँ मैं वेयर जेड इक्वल न्यू नंबर, नंबर का एन कैपिटल बड़ा होना चाहिए, और इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ 200, इसको 300 कर देते हैं, वैल्यू अलग रहेगा तो सामने से दिखेगा। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू भी एक्सेस हो सकता है, तो चलिए इसको भी कॉपी पेस्ट करके यहाँ नीचे देख लेते हैं कि वैल्यूज एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ वाई कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं हम लोग जेड, सेव करते हैं, सेव करने के बाद वापस से इसको रन कर दें, आप देखेंगे यहाँ आपको दिखाई देगा 100 300 200, ठीक है, इसको ऊपर नीचे हो गया, इसको 200 कर देते हैं वाई को और इसको 300 कर देते हैं, फिर से एक बार रन कर लेते हैं। चलिए अब सब कुछ सही तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इसका नंबर, इसका डेटा टाइप नंबर, इसका डेटा टाइप नंबर, इसका डेटा टाइप नंबर, क्या सभी का डेटा टाइप नंबर है, सभी नंबर यहाँ से देखने से तो लग रहा है कि सब नंबर है, लेकिन क्या वाकई में इंटरनली सब नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर एक आर्गुमेंट लेता है और वह बताता है कि वह जो आर्गुमेंट है किस टाइप का है। सो यहीं यूज़ कर लेता हूँ मैं टाइप ऑफ ए, इसको मैंने पैरेंथेसिस दे दिया, उस तरीके से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सब में और सब में पैरेंथेसिस दे देता हूँ। यहाँ हम लोगों ने टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ टाइप ऑफ और इसको पैरेंथेसिस देकर बस हमें बंद करते जाना। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं, देखिए ये आपको बताएगा कि कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर नहीं है। सो थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, चलिए ओके। अब देखिए ए का वैल्यू नंबर है,
ठीक है, यानी कि ये तो नंबर है, ये हमारा प्रूफ हो जा रहा है। बी भी हमारा नंबर है, तो बी भी नंबर है, चलिए ये भी सही है। सी भी हमारा नंबर है, तो चलिए सी भी सही है। डी भी हमारा नंबर है, तो चलिए डी भी सही है। एक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, देखिए एक्स आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये नंबर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वाई आपका स्ट्रिंग है, ये जो है आपका ये स्ट्रिंग है, और जेड आपका ऑब्जेक्ट है, जेड जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो कुल मिलाकर मुझे बस इतना कहना है इसके बारे में कि इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये एक नंबर कहलाता है, इस तरीके से आप लिखते हैं तो ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, और इस तरीके से आप बनाते हैं तो ये तो नंबर है बट ये इसका टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। खैर, और अगर आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू को डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे तो वह नंबर नहीं होता है बल्कि वह एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ओके, सो बस ये इंट्रोडक्शन था नंबर का कि नंबर कैसे लिखते हैं और कौन सा नंबर होता है, कौन सा नंबर नहीं होता है। हम लोगों ने इसको टेस्ट भी कर लिया, एग्जामिन भी कर लिया, और बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।